जानो कौन सी है माता जयंती देवी। लगभग 550 साल पहला जयंती देवी माता ने क्यों दिता सी शराब? माता ने क्रोधित हो क्यों राजिया दी सियासत नू किता सी राख? क्यों इन्हां पंज पिंडां दे विच कोई दूजी मंजिल नहीं बना पांदा? जानो कौन ने माता जयंती देवी की है इतिहास, 550 साल पहला की कुछ चीज़ां हुई सी, जयंती देवी माता क्रोधित क्यों हुई सी, ते उस तो बाद उन्होंने राजा दी सियासत नू क्यों खाक किता सी, ते उस तो बाद इस पिंड दे विच कोई दूजी मंजिल क्यों नहीं बना पाता, सारी कहानी तुहानू दसांगे द फैक्ट न्यूज़ दे राही। जयंती देवी माता जी दे मंदिर च जावांगे, पुजारी नाल गल करन दी कोशिश करांगे, ते नाल नाल पिंडां दे विच जाके जिहड़े पिंड दे बजुर्ग ने उन्हां नाल गल करन दी कोशिश करांगे। आओ जानदे हां, इस समय जयंती माता दे मंदिर दे विच पहुंचे हुए हैं, आखिर जानते हैं कि पंज पिंडां दे विच सैकेंड फ्लोर क्यों नहीं बनता, हालांकि मोंटी तक नहीं जिहड़ी है इधर बनाई जाती, तो आखिर इदा क्यों होया? पंडित जी साढ़े नाल ने जान लैने, पंडित जी आखिर ये पंज पिंड जिहड़े ने पंजा पिंडां दे विच किया जाता कि सैकेंड फ्लोर मोंटी तक नहीं कह रहे कि बना सकते, आखिर माता का की हुक्म होया सी, कदों होया सी कि माता माता जी क्रोधित सी उस समय जदों ये उन्होंने हुक्म किया? ये इस तरह जी, पहले इतने हथनौर रियासत थी जी मुगलों के टाइम च, और हथनौर रियासत वाले जो राजे से जी उन्होंने माता की मानता करनी छोड़ दी जी, वो मानता करन दो मतलब ना करन दो ताकि माता राणी उन्हें रियासत के उपर क्रोधित हो गई जी, क्रोधित होने कारण फिर जिते और रियासत थी जी वो माता ने मतलब उसका नाश कराया था जी, सारी थे करी है, फिर उस तो बाद ही माता का माता राणी का हुक्म होया था जी भी जिते रियासत के एरिया जो एरिए पिंड आते हैं जी उन्हें पिंड कोई डबल मंजिल नहीं उठा सकेगा भी मेरे तो नीचे होकर रहेगा, कोई मेरे तो उपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर उस टाइम तो ये माता राणी का हुक्म है जी। माता राणी क्रोधित सके जिस समय उन्होंने ये हुक्म दिता, की सारी की कहानी ये मतलब हथनौर रियासत वाले ने इन्हें मानता करनी छोड़ दी जी, वो अपनी उल्ट बुद्धियों में पै गए जी, कहन लगे साढ़े तो डोली के नाल आई हुई है अस तेनों व्याह के लिया भी असं इस अगे मतलब सिर झुकावे अस तो राजपूत राजे हैं, तो फिर माता राणी इस रियासत के उपर क्रोधित हो गई थी, क्रोधित होने के कारण फिर माता राणी ने उस रियासत का नाश कराया था जी, फिर नाश करन तो बाद ही माता राणी का हुक्म होया था जी भी जिथे ये हथनौर रियासत दी उत्थे कोई आबादी नहीं कर सकता, तो जिथे नाल इहदे रियासत विच पिंड पैंदे ने जी या कोई छोटे छोटे कोई कस्बे थे उन्हां दे विच कोई डबल मंजिल नहीं पा सकिया भी मेरे तो नीचे हो के रहना माता। इधर हथनौर रियासत सीगी, ओदी की कहानी है, ओदी शुरुआत किदां हुई, किन्ने क राज्यां दी इधर सियासत सीगी? हाँ जी, ये जो रियासत है जी 22 राज्यां दी रियासत है जी, इत्थे 22 धर दे राजे बोलदे थे जी, उन्हां दी रियासत इत्थे होंदी है, हथनौर रियासत कहिंदे सी जी इसनूं, ते इन्हां दी किसी राजे दी सगाई कांगड़े वाले राजे दी लड़की नाल हो गई जी, जिहड़ा उधर राजे दा परिवार था जी कांगड़े के अंदर, उत्थे इस माता दा उपासक था जयंती देवी दा, तां कहिंदे जयंती देवी जदों इत्थे बरात गई जी कांगड़े दे अंदर, तां फिर उत्थे जाके माता राणी दी डोली भारी हो गई जी, भारी होने के कारण जिहड़ी लड़की मतलब विआह के आनी सी जी वह जिहड़ी लड़की सी माता दी उपासक दी बहुत, फिर माता राणी ने उसनू मतलब दिखाई दी सपन च भी बेटी तेरी डोली इत्थे तां चक्की जाएगी जी, मेरी डोली तेरे नाल जाएगी जी, फिर उत्थे तो कहिंदे जदों लड़की डोली चक्कन लगी लड़की डोली भारी हो गई जी मतलब बदोगी दे टाइम च, फिर तां कहिंदे उस लड़की दे जदों मतलब उत्थे मतलब जिहड़ा राजा सी जी लड़की दे पिता, तां उन्होंने पूछा भी बेटी क्या कारण हो गया भी एक डोली क्यों नहीं चक्की जा रही, तां उस लड़की ने दस्सिया अपने पिता नूं भी मेरी इत्थे डोली तां चक्की जाएगी जी, मेरी माता दी डोली मेरे नाल जाएगी जी, फिर कहिंदे जदों उस राजे ने जी वो डोली तैयार करवाई माता दी लग तों, तां वो लड़की डोली चक्की गई जी, फिर दोनों डोलियां इस रियासत विच आ गई लड़की दी भी और माता दी भी इस हथनौर रियासत विच जी, फिर ना हथनौर रियासत वाला राजे ने उस लड़की वास्ते इत्थे छोटा जिहा मंदिर बनवा दिया इस पहाड़ी के उपर जी, तां कहिंदे फिर वो जो लड़की कांगड़े दे अंदर माता मानता करदी उन्हें इत्थे शुरू करी जी अपना आके जी, फिर जिस तरह कांगड़े के अंदर मानता करदी थी वो लड़की फिर उसने इत्थे शुरू करी जी, फिर 200 साल इत्थे छोटा मंदिर बना रहा जी, 200 साल के अरसे में जो लड़की विआह के आई थी जी वो खत्म हो गई,
जो तक वो जिंदा रही माता की पूजना करती रही, उसके मरण तो बाद जी राजन की अगली पीढ़ी आई जी, इन्होंने माता की मानता करनी छोड़ दी जी। इस प्रति भी चल के उल्टी बुद्धि पै गए जी, कहन लगे भी साढ़े डोली के नाल आई हुई है, अस तेन ब्याह के लिया है भी, असने इस अगर सिर चुकाम गया, अस तो राजपूत राजे हैं जी, भी यह तो साढ़े घर की नूँह है जी। तो कहते फिर माता राणी इस रियासत पर क्रोधित हो गई जी, क्रोधित होने के कारण कोई गरीबू डाकू था जी मनमाजरे के अंदर, जिते माता मनसा देवी के मंदिर उन्हें जंगलों में गरीबू नाम का डाकू रहा जी। फिर माता राणी उस डाकू को दिखाई दी जाके सबप्पन च भी, बेटा उठ तू आके हथनौर से आके हमला कर, भी हूँ मैं इस रियासत का नाश करना, इतने राजे तू बन गया इस रियासत का जी। तो उस गरीबू डाकू ने जी जे कोई अपने संगी साथी इकट्ठे हुए, इकट्ठे करके इन्हें रियासत उपर हमला कर दिया जी। इन्हें रियासत में कहें अपने आप ही चार फेस से अग लग जी माता की कृपा न, जोड़े को दौड़ भज के बाहर निकलन लगे, उन्होंने डाकू खत्म कर लगे गरीबू दे। इस तरह कहें इस हथनौर रियासत का बच्चा बच्चा इतें ही खत्म कर जी। हथनौर रियासत के पिछ हूँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, किसी भी तरह की नहीं हो सकती, और जोड़े पांच पिंड ने उन्होंने कोई मामले सामने आए जिद सैकेंड फ्लोर नहीं बना सकते? बिल्कुल जी, इतने मामले देखो पहले पाँच चार साल की पहले की गल है जी, पिंड किसी ने कोशिश करी दे, उन्होंने नाल दी नाल ही कुछ ना कुछ नुकसान हो गया जी। तो उत्थे सरकारी स्कूल बनने लगा जी, पाँच साल चार साल की पहले गल है जी, वो सरकारी स्कूल की डबल मंजिल कर लगे से जी, मतलब बच्चों तंगी हो रही थी जी, तो उन्होंने उत्थे जो लेबर लगी हुई थी उनकी डैथ हो गई जी, उत्थे फिर वो भी उन्होंने बीचे छड़ा मतलब उत्थे करंट लग गया जी, सॉरी हाँ जी करंट लग के जो डबल मंजिल का काम शुरू करने लगे उस टाइम करंट लग गया लेबर के, तो उन्होंने छड़नी पी फिर उत्थे। पर ये पंज पिंडा दे नाल हथनौर रियासत है, उत्थे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई आबादी नहीं हो सकती उत्थे, आबादी भी नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल कहिंदे दीवा नहीं जलन दिंदी उत्थे हुण तक जी, ये माता राणी का हुक्म है, हुण भी छड़ना पिया जिन्होंने किसी ने उत्थे करन दे काम करे, एक दो फार्म हाउस बने सी उन्होंने छड़ने पे बिचो, उन्होंने कहानी सामने आई कि आखिर उन्होंने छड़ने क्यों पे, उन्होंने मतलब इदां दे हो गया ना कोई घाटा पै गया कुछ हो गया, मतलब इदा का कम हो गया उन्होंने बिच ही छुड़ने पे हैं जी, वो अद्धे पे खंडर होए पे हूँ भी। तो उस जगह दे विच कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई आबादी नहीं, नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ कहानी भी निकल के सामने आई है उधरों के आखिर माता जी की कुछ कहानी निकल के आई है सामने, कहानी तो यही है जी बस, उत्थे कोई मतलब कर ही नहीं सकता आबादी, उत्थे कोई कर ही नहीं सकता इस टाइम, ना दीवा भी नहीं चल सकता उधर, बस कि उत्थे शिव मंदिर है जी जिस तरह जिसते माता राणी का यह भी मानता कर करके उत्थे मतलब वो करन दी पूजा करन दी हुक्म लिया, नहीं उत्थे भी कोई रुक नहीं सकता जी, बस वो शिव मंदिर दे एरिया जो जिते मा हूँ माता राणी ने हुक्म दिया भी इतने तुसी करो, नहीं पहले उत्थे भी मतलब कोई वो नहीं सी रह सकता कोई। भाजी सारी की कहानी है जी इधर दी, सारी किस चीज़ की कहानी है, सेकंड कोई दूजी मंजिल नहीं बना पाता, कह रहे कि जिन्हें बनाई हाँ नुकसान कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, तो साढ़े पांच पिंड डबल स्टोरी बनती नहीं, तो इतने जो पांच पिंड सारे सिंगल ही मकान है, साढ़े बजुर्ग तो कहते भी जो माता का ऑर्डर होगा उदों ही बनूगा, जब तक बना नहीं सकते, जो कोई जान बुझ के बना भी है वह नुकसान हो जाता, या घर च कोई नुकसान हो जूगा या डैथ हो जूगी बंदे की कुछ ना कुछ हो जूगा, जाने कि माता जदों कित कोई प्रोग्राम हों उ माता भी जिदा हवा पौन वगैरह आँदी, तो माता खुद कहें भी जो मैं ऑर्डर करूँगी उदो ही डबल स्टोरी बनूगी, उस तो पहले नहीं। पर पिंड वाले भी कहते हैं कि कह रहे कि पहले सारे पांच पिंड इकट्ठे होकर उधर दूजी मंजिल बना देने हाँ, तो कह तो रहे पिंड वाले इकट्ठे तो होंगे कि हाँ चलो माता तो इजाजत लेके उत्थे बना दिए, पहले माता दे बना दिए, पर हाले माता कहती भी जब तक मैं इजाजत नहीं देती तो उदों तक बन नहीं सकता। पिंड साढ़े कट्ठे हो गए इधर तो लोग पर्ची पाते हैं भी क्या क्या माता हूँ पे अस मकान पाऊंगे सहमत आ, फिर वो पर्ची के बच्चे नौ लिखता होंगे मतलब ना नहीं माता कई बार इजाजत ले गई माता तो भी हाँ सू डबल स्टोरी बनाने की इजाजत दी जाए, पर होया नहीं इदा माता ने मना करता, जाने के भी मना करता माता ने, जिदा किसी को हवा आई पौन वगैरह आ जाती माता की किसी के तो वह मना कर देंगे, बच्चे तो आँदी ज़्यादा करके गुड़िया से छोड़ी किस किस गुड़िया से, तो फिर माता मना कर देंगी भी जब तक मैं इजाजत नहीं देंगी उदों तक कुछ नहीं बनूंगा। हाँ होया साडे सामने इदा कई बार गल जिदा रख लो किसी बच्चे से हवा आँदी माता की पौन आँदी है तो किसी गुड़िया से आँदी जिदा नौ दस साल की गुड़िया होंगी उद्दे आँदी तो माता स्पैशल बोल देंगी भी हाँ जब तक मैं इजाजत नहीं देंगी उदों तक डबल स्टोरी नहीं बनूगी।
कम से कम दो तीन बार तो मेरे सामने ही हो चुके इदा का। हाँ इदा के बच्चा कोई 10-12 साल दे गुड़िया होंगी जिदा तो उदा के बच्चे किसी के भी हवा आँदी तो बच्चे मना कर देंगे भी माता ने मना कर। उत्थे बहुत दुनिया होंगी, ये नहीं कि मैं कला हों, उत्थे दुनिया होंगी, उत्थे कीर्तन वगैरह लग्या होंदा तो फिर नहीं पाता कोई डरदा। जी साहब की कहानी है, सेकंड फ्लोर क्यों नहीं अंदर कोई बना पाता, की माता जी ने शराब दी? जयंती माता जी है मंदिर, वो उच्ची जगह पहाड़ी दे, मतलब कहने का हूँ सुनते हैं बी कहते वो कहते भी मेरे मेरे बराबर मतलब उपर, इस करके उपर डबल मंजिल नहीं पैंदी है। इतने उपर हरियाणे का बार्डर लगता, उसे 3 किलोमीटर गांह जा के उत्थे पैंदी है, उसे डबल मंजिल टप्पल भी पैंदी है। इधर नगर पिछे सूंक पिंड पैंदा जट्टा का जिमीदार का, उत्थे पैंदी है, सिर्फ इस एरिए नहीं पैंदी है। पांच पिंड है, जयंती कसौली ना जयंती माजरी गोड़ा कसौली और बघेंडी और करौंदिया, ये 5 पिंड ने जी। ये 343 हद बस नंबर नहीं था, 343 एक पंजे पिंड का, एक हद बस तो एक ना दी जड़ी सूंक है वह बहर आ। माता जी ने शराब क्यों दिता सी इधर आके? ये तो जी हूँ कह कह नहीं सकते हैं भी, ये तो आप पुराने बजुर्गों या उन्होंने पता होना, सानू तो इसके बारे में पता। वो तो पहला होनी है जी, कि सानू तो इसके बारे पता नहीं है, वो तो कि दसते होंगे सुनते होंगे भी जिसे माता जी पिछ जिसे माता जी। हाँ इतने शहर से बड़ा अथनौर बहुत देर पुराना माता जी, जो शादी हुई सी माता जी की उस वक्त कितने हिमाचल इधर जाता कश्मीर शमूर सारा एक ही सुनता वा, तो उस वक्त जो इस कहते हैं भाई जो इसकी मैर शादी हुई थी उस वक्त जो इन्हें डोही चक पिछे कितने पूजा कर दी थी माता की। ये माता जयंती माता कितने पिछे पूजा कर दी थी कांगड़े तक, उत्थे फिर जी पता इसकी डोही चक्की आ, मैं शादी हो गई डोही चक्की आ, फिर डोही नहीं चक डोही भारी हो गई मतलब वजन ज़्यादा हो गया। फिर सारे ने बजुर्गों ने एक दो ने पूछा भी क्या करना भी ये डोही नहीं चक्की जाती। फिर बिचों के होर सियाने बंदे कह लगे भी ये किसी माता की किसी पूजा करती है, किसी माता जी पूजा करती मूर्ति की, उसकी पूजा करती है भी, इस करके वो उन्हें छड़ने नहीं चाहती, इकली छड़ने नहीं चाहती। फिर वह कहते असी भी सुने ही हाँ जड़ी माता की मूर्ति थी इन्हें डोले बिच पा के डोला वो रहा है। पर इधर जिन्हें कहा गया कि काफ़ी लोगों ने कई साल पहला दूजी मंजिल पाने की कोशिश की बनाने की कोशिश की, कह रहे कि कोई ना कुछ चांस हो जाता ढह जाती, कोई नुकसान हो जाता किसी का, बच्चे भी परिवार भी तो या कोई डंगर भैंस या कुछ भी आ नुकसान हो जाता है, इस करके लोगों को इस गल का पता लग गया। ठीक है, हाँ जी थानू कदों पता लग गया कि सारिया चीज़ा जो छोटे थे किन्ने कहानी दसी सारी? बजुर्ग कहते जी साढ़े बच्चे पैदा आई जत के बाद अच्छे जब बड़े हो गए जब पता लगे सू चीज़ों का। हाँ जी असं मकान बना रखा जी, मैं 20-25 साल ढाई डबल मकान भरा कि इतों की ऐसा टुट गई जी कोई पीजी रहा हो पीजी के बाद हफ्ते बाद लिया असं उन्होंने हफ्ते बाद आगे डैथ हो गई जी। जो उन्होंने डैथ हुई उस तो बाद ढाई फिर दूजी बार भी साल बाद ढाई है लोगों ने बहन पा दिया सू बहन पे गए पे गए जी असं ढाई नहीं जैसे बहुत ही मकान पे डबल चौदह फिर लोगों ने ढवा दिया कह कोई ढवा दिया जी। अगले पिंड बने पाई रौला पाई जाते हैं माता तो कहते हैं भी कई बार लोगों ने कह लिया जी इधर भी डबल छत पाओ माता के उपर भी गुम डबल बना सारे मकान पे डबल सारे कोई कोशिश करता ही नहीं है पिंड वाले ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਡਬਲ
ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਈ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਊ ਲੰਗਰ ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਦੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਖਰੀਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਮੰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਲਦੇਨ ਦੀ ਵਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਲਦੇਨ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੱਦੇ ਕੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਪੀ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਏ ਦੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਲਏ ਦੇ ਨਾ ਕਾਂਗੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡੀ ਚੱਕ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੋਲੀ ਚੱਕ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜੀ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਮਾਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਿਆਏ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਨੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਲਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਦੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੀ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ